मुंबई में इन दिनों महानगर पालिका का चुनाव का माहौल है। सभी पार्टियां कुछ न कुछ कार्यक्रम करती रहती हैं, कोई छतरी वितरण तो कोई बुक वितरण, लेकिन जब कोई बिना किसी सत्ता के लालच या बिना किसी सहायता से ऐसा कार्यक्रम करता है तो मुंबई जैसे शहर में बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही एक साधारण व्यक्ति है जिसने आज करीब 5000 नोटबुक गरीब बच्चों को बांटा, जिसने किसी का कोई पहचान पत्र नहीं मांगा, बल्कि जो आया उसको बुक मिल गया। ये महान व्यक्ति कोई नहीं बल्कि साईं धाम ट्रस्ट के संचालक श्री मुरली चौधरी जी हैं, जिन्होंने गरीब बच्चों की सेवा का संकल्प रखा है और कोई पार्टी विशेष से कुछ लेना देना नहीं है। आपको मिलवाते हैं उनके उस मंदिर परिसर में जहाँ आज बुक वितरण किया गया और सुनाते हैं उनकी जुबानी। जो नए अभी ये जो नए ये अपना न्यूज वाले जो है मेट्रो मुंबई वाले, पहले अपने तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये नोटबुक का जो नए प्रोग्राम हमें 500 बच्चे का जो आज जो हम लोग ये नोटबुक दिए 500 बच्चे का। किन बच्चों को आपने बुक दिया और उसको बुक बांटने का कार्यक्रम आपने किया, कितने दिन पहले ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने? ये समझो सर, जो नहीं एक महीने से चल रहा था, तो एक महीने से हम लोग जो पैसा जो नहीं मांग मांग के सब इकट्ठा कर रहे थे, ये नोटबुक छपा के और बच्चे लोग इनके जो नहीं लिखने के लिए जो नहीं हम लोग प्रोग्राम करें, तो कोई 1000 रुपया, कोई 2000, कोई 5000 ऐसे जो दिए, इसी के हिसाब से हम लोग जो नहीं सर 5000 बुक छापने का जो नहीं दिए थे और जो नहीं 500 फॉर्म भरे थे हम लोग, और आज सब बच्चे लोग इनका लाइन लगवाए थे हम लोग दिए सर। हमको नेता नहीं बनना, हमको बाबा का सेवा करना है प्लस पब्लिक को सेवा करना है। हम लोग अच्छे काम करते हैं, बाबा का प्रचार तो हर जगह पे वैसे ही है। बाबा तो आज की दुनिया में इतनी हुई हर जगह पे छाए हैं कि बाबा को तो हर लोग मानते हैं, तो हम लोग का कोई लालच नहीं। हम लोग का पार्टी लेवल में जाना भी नहीं है सर, क्योंकि अपना धंधा करना है और बाबा का सेवा करना है सर। हमारे जो है ये समझो राजेंद्र नगर के थे और ये धोबी घाट के थे जो है, और इसके बाद में समझो कुल्लू पहाड़ी के थे, और इसके बाद देवी पाड़ा, और इसके बाद में समझो हनुमान नगर का थे, और इसके बाद में अपना तीन मूर्ति के थे और दौला पाड़ा के थे। सब बच्चे को हम लोग फॉर्म भरा था, सब जगह पे हम लोग सर बैनर लगाए थे ये नोटबुक देने के लिए। जो है करने से बहुत अच्छा लगता है सर, जो ये नोटबुक बांटने का है, ये प्लस जो है भंडारा का है, ये जो हम लोग इनका करने में बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा है, अच्छा करना चाहिए सर, बहुत अच्छा लगता है सर। सर ये हमारी साई ट्रेवल ट्रस्ट के हिसाब से हम लोगों ने ऐसा सोचा कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं अपने सहयोग में लगे रहते हैं, किसी के यूज में अगर आता है तो उनको हम लोग थोड़ा सा सहायता दें, इसलिए हमारे जो साई धाम भक्त लोग हैं सब लोगों ने मिल करके ऐसा प्रोग्राम किया। तो बाबा का आशीर्वाद, हम तो यही चाहते हैं जितना वो बड़ा हमको सहयोग देते जाएंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएं और ऐसा चमत्कार हो जाए कि सीढ़ी के साईं बाबा हैं तो यहीं आकर के लोग दर्शन करें, उसका फायदा उठाएं। हो सकता है तो उनका चमत्कार है ना, तो हमारे जितने साईं भक्त हैं सबके सहयोग से हम ऐसा कार्यक्रम करें, कोई हमारा अकेला ऐसा ये नहीं है। हाँ, नाम डॉक्टर बीपी निषाद है, इस एरिया में 32 वर्ष से मैं सेवा करता हूँ, और इस एरिया में सब डॉक्टरों से मेरा चार्ज भी कम है, और जो भी डीसी वगैरह का काम रहता है रियल रहता है तो मैं करके देता हूँ। सामाजिक काम भी करता हूँ, मंदिर आध्यात्मिक काम भी करता हूँ मैं, और जितना अपने से हो सकता मैं सहयोग करता हूँ। इसके लिए मेरा आस्था है, मैं चारों धाम भी कर चुका हूँ, भागवत वगैरह शोक सब कुछ है। इस मंदिर के लिए अगर हमको अनुमति मिल जाए, सही मिल जाए, तो मैं एक दिन दवा बिना पैसे का डोनेट कर सकता हूँ। उसके लिए हम अपने संस्था को और अपने चौधरी साहब को जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस काम को सफल उन्होंने बनाया है।